अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको फुल एडर की डिज़ाइनिंग बताऊंगी, उसका लॉजिक गेट डिज़ाइन करना बताऊंगी। पिछले ट्यूटोरियल में हमने फुल एडर की ब्लॉक डायग्राम को स्टडी करा, फिर हमने फुल एडर का ट्रुथ टेबल स्टडी किया। ट्रुथ टेबल के जरिए हमने इक्वेशन निकाली, हमने इसकी इक्वेशन निकाली, हमने सी आउट की इक्वेशन निकाली। यहाँ देखिएगा, मैंने ब्लू पेन से सी आउट की इक्वेशन को और फर्दर रिड्यूस कर दिए। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इन दोनों में मैंने ए बी कॉमन लिया। जब मैंने ए बी कॉमन लिया तो यहाँ बचा सी इन कॉम्प्लीमेंट प्लस सी इन। ठीक है, आपको पता है ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बराबर है वन के, तो ए बी यहाँ वन हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, ए बी आ गया। देखिएगा, मैंने थोड़ा सा इसको फर्दर मिनिमाइज़ किया है, तो ये जो है आपकी टर्म ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, मैंने सपोज मैंने कॉमन ले ली और सी इन मैंने यहाँ ले दिया। मुझे पता है ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट मेरा बराबर है ए जॉर बी की। डोंट बी कन्फ्यूज हेयर, सी इन मैंने कॉमन लिया है, इन दोनों का मतलब है ए जॉर बी। बाकी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, तो देखें थ्रू टेबल से जो मैंने ये से एस ओ सी आउट निकाली है वो बिल्कुल मेरी सेम है, किससे, मेरी के एम एफ सिंप्लीफिकेशन। तो जो मेरा के एम एफ से एस निकला है वो मेरा सेम है किससे, थ्रू टेबल वाले एस से। और जो मेरा सी आउट निकला है दो के एम एफ से, देखें सी आउट मेरा के एम एफ से एक ये निकला है, एक ये निकला है। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पे भी सेम आ रहा है मेरा सी आउट के एम एफ से, और यहाँ पे भी देखें मेरा यही आ रहा है। तो याली क्वेश्चन मैंने निकाली है के एम एफ से और याली क्वेश्चन मैंने निकाली है। तो आप जैसे निकालना चाहें सी आउट आप निकाल सकते हैं, सी आउट आप ट्रुथ टेबल से भी निकाल सकते हैं, सी आउट आप इसके एम एफ से भी निकाल सकते हैं, और सी आउट आप इसके एम एफ से भी निकाल सकते हैं। अब चूंकि हमारी इक्वेशन निकल गई है सी आउट और सी एम और सम की, तो हम डिज़ाइन कर रहे हैं क्या, लॉजिक गेट। तो मैं एक दफ़ा फिर से लिख रही हूँ यहाँ पे, सी आउट की इक्वेशन मेरे पास निकली ए बी प्लस ए जॉर बी, और ये आ गया मेरा क्या, सी इन। जबकि मेरी सम की इक्वेशन क्या निकली, एस की निकली मेरी, क्या निकली, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ए जॉर बी जॉर सी इन। आप चेक कर सकते हैं, मैं फिर से दिखा देती हूँ, ये मेरी आई सम की इक्वेशन, कहाँ गई ये एस की। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे ये क्यों नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा है मैं आपको बता देती हूँ। सम की इक्वेशन में आप देखिएगा, सम की इक्वेशन ये निकली है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यही नहीं लिखा, मैंने क्यों लिखा ये आपको बता देती हूँ। सम की इक्वेशन निकली है ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी इन का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी इन प्लस ए बी सी इन प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी इन कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एज और बी इक्वल है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखें यहाँ पे ए बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, तो सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ना, सी इन पे कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सो सिंपल में और श्रिंक कर दिया और रिड्यूस कर दिया एज और बीज और सी इन। आप चाहे तो इसका भी लॉजिक गेट बना सकते हैं, आप चाहे तो इसका भी बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। फिलहाल मैं इन दोनों को फॉलो कर रही हूँ, तो ये मैं बना रही हूँ किसके लिए, सी आउट के लिए। तो मैं सी आउट के लिए यहाँ पे आ गया ए और ये आ गया बी। ठीक है, तो ये मेरा क्या निकल गया, एज और बी, और एज और बी के साथ मुझे सीन क्या करना है, एंड करना है, तो ये आ गया मेरा सीन और ये आ गया एंड। तो ये बन गया मेरा एज और बी डॉट सी इन। अब इसके साथ मुझे क्या करना है, प्लस करना है क्या, ए बी अगेन, तो यहाँ से लेते हैं ए और यहाँ से लेते हैं बी, तो ये आ गया ये ए बी आ गया, और इसके साथ मैंने क्या कर दिया, इस ए बी को प्लस कर दिया। तो ये इक्वेशन मेरी फाइनल क्या बनी यहाँ पर, ये मैंने यहाँ से ए बी लिया है, तो ए बी प्लस ए और बी और ये आ गया आपका सेम। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई किसकी, एस की, और ये आपका बन गया फुल एडर किसका, एस का। अब आप इसी के अंदर कंबाइन कर दें क्या, अपना क्या कंबाइन कर देंगे आप, सॉरी ये आपकी बन गई सी आउट की है, ये एस की नहीं बनाई है मैंने, सी आउट की बनाई है, सॉरी सॉरी। अब आप इस पर कंबाइन कर दें एस, बड़ा सिंपल सा है, एज और की बी के साथ आपने क्या कंबाइन करना है, जॉर सीन। तो एज और भी मैं यहाँ से लेती हूँ वायर, ये आ गया, और ये मैंने क्या कंबाइन कर दिया इसके साथ सीन, तो सीन ये आ गया आपका। ठीक है, यहाँ मैंने एक और जॉर लगा दिया, तो ये निकल गया एज और भी जॉर सीन। तो ये आपकी बन गई किसकी, एस की। तो ये आपका कंप्लीट फुल एडर बन गया, जिसमें आपकी एस की क्वेश्चन भी कनेक्ट हो गई और आपकी सी आउट की क्वेश्चन भी कनेक्ट हो गई।